बहुत सारे बंदों की ना, देखिए मेरे पास सवारी ऐसी आई है कि वो कहते हैं कि क्या फ़ोन का कैमरा रखे रखे अपने आप ऑन हो सकता है। भाई देखिए, ये एक AI का ज़माना है, इसमें मैं की हाल बा मित्रों, आज आपको है ना एक बहुत काम की बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके फोन में अक्सर एक ऐड आ रही होगी, एक नहीं मतलब बहुत सारी मल्टीपल ऐड आ रही होंगी आपके फोन में, जैसे कि लॉक लगा हुआ है ना तो भी ऐड आ जाती है ना। आजकल ऐसा हो रहा होगा ना और आप बहुत परेशान होंगे। तो आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब किस लिए कर रखा है? देखो मैं बताता हूँ आपको, वीडियो शायद ही आपको इंटरनेट पर मिले। देखो जब हमारा फोन रखा हुआ है ना तब भी ऐड आ जाती है, अपने आप दिखाई देगी और साइड में बस एक क्रॉस का निशान आता है, उसको क्रॉस करते हैं जब कट जाती है वो, है ना। आपके फोन में भी अगर ऐसी ऐड आ रही हो तो आपको मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ। कस्टमर का फोन है, बहुत परेशान है, कह रहा भैया कुछ भी खोलता हूँ उसके बाद ऐड आने शुरू हो जाती हैं, कभी फेसबुक की कभी किसी चीज़ की, गंदी गंदी ऐड भी आ जाती हैं। तो बच्चे वाले हैं ये, शर्म आती है इनको भी इस चीज़ से कि कभी बच्चा ना उठा ले फ़ोन, और कभी बच्चा उठा ले तो फिर उसके सामने ऐसी चीज़ें आनी भी नहीं चाहिए, है ना, फ़र्क पड़ता है। तो देखिए आपको एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ और ओरिजिनल सॉल्यूशन दूँगा, ये इसका मेन सॉल्यूशन है। बहुत सारे बंदों ने मुझसे कमेंट में भी पूछा था, उनके लिए लव यू है मेरी तरफ से, कि आपके लिए मैं वीडियो ले आया हूँ, मतलब ऊपर वाले ने आपके आपके लिए ही भेजा है, आपके सॉल्यूशन के लिए कस्टमर को भेजा है मेरे पास। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के आपको बताता हूँ, आपको चले जाना है सेटिंग में। पहले समझ लेना भाई, मैंने जो बात बताई है ना आपको, आपके फ़ोन में ना अचानक से ऐड आ जाएगी बिना कुछ खोले, बिना कुछ छेड़े, जैसे लॉक लगा हुआ है ना ऐसे भी है ना एकदम से ऐड आ जाएगी। अभी वो मेरे सामने आई थी, अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, तो अगर मैं उसका वेट करता हूँ तो भाई पता नहीं कितना टाइम हो जाए, 5 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए कि कोई ऐड शो होने में आपके सामने, हो सकता है आपके सामने शर्मा रही हो। कई बार ऐसा होता है हमारे फ़ोन हमारे हाथ में आने से है ना फ़ोन में प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाती है ना, ऐसा कई कस्टमर्स का कहना, मेरा कहना नहीं है, ठीक है। आपको चले जाना सेटिंग में, देखो, और ये सॉल्यूशन 100% सॉल्यूशन है, ठीक है। आजकल बहुत लोग परेशान हैं इसके कारण, आपको चले जाना है ऐप के अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों बस वैसे ही करना, आपके फ़ोन में कभी भी अनवांटेड ऐप नहीं आएंगी। अभी कभी अगर आ भी जाए ना तो आप यही काम कर देना, ओके रिपोर्ट हो जाएगा। ये हमारी गलतियों से हो जाता है, हम एक्सेस दे देते हैं कभी कभी किसी साइट को। अब ये मैनेज ऐप है ना, मैनेज ऐप पे टिक करना, मैनेज ऐप पे टिक करने के बाद आप देखेंगे, जैसे ये PDF लिखा है, अमेजोन लिखा, ऐप वॉल्ट लिखा, ये बहुत सारी ऐप लिखी है ना, ये इनके लोगो भी बन के आ रहे हैं। इन्हीं के ऊपर है ना एक सबसे फर्स्ट में रिसेंटली यूज, ये 389, ये वायरस वाली ऐप है, ठीक है। ये आपके फ़ोन का एक्सेस लेके रखती हैं और ये होती हैं बग्स, इन्हें बोलते हैं भाई वायरस, वायरस है ना। तो इसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है बस, और कुछ नहीं। और जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई वैसे ही करना, पहले आप सुन लेना ठीक से, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ी मत करना, यहाँ पे लोगो नहीं आएगा, जिस ऐप के आगे लोगो ना आए उसको अनइंस्टॉल करना, और ये एक ही ऐप ऐसी होती है जिसके आगे आपका लोगो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इसके अंदर चला जाना है, इसके अंदर जाने के बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वैसे ही करना। अब आपको यहाँ पे देखो पता चल जाएगी आपने किस किस ऐप को क्या क्या परमिशन दी थी। देखो ऐप परमिशन में ये आपने लोकेशन डाल रखी है, स्टोरेज, फ़ोन स्टोरेज, बताओ कस्टमर ने ये चीज़ें डाल रखी हैं, फिर इन्हीं की वजह से तो फ़ोन हैक होते हैं। फिर बहुत सारे बंदे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारे फ़ोन हैक तो नहीं है, हमारा फ़ोन हैक कैसे हो गया, किसने कर लिया, कैसे कर लिया, वो इसी वजह से होता है। भाई आप किसी भी ऐप को ना परमिशन दे देते हो, जैसे फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें आप देख के कोई ऐप के ये इंस्टॉल कर लो, उसे ओके कर दिया, कि इसमें लोकेशन की भी परमिशन दे रखी। लोकेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है किसी ऐप को, थर्ड पार्टी ऐप को कोई ज़रूरत नहीं है। मैसेजेस इन एंड कॉन्टैक्ट्स, इन सब की परमिशन दे रखी है भैया। देखिए लोकेशन और स्टोरेज, इन दोनों की परमिशन तो दे ही रखी है इन भाई ने, ठीक है। जो ऐप परमिशन मांगे ना, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप अगर आपसे परमिशन मांगती है वो परमिशन कभी मत देना। अच्छा, अब आपको सबसे पहले स्टोरेज पे आना है, ठीक है, स्टोरेज पे टिक करना है। उसके बाद जो कैश मेमोरी लिखा है ना, मतलब खाली खाली कैश लिखा, किसी किसी में कैश मेमोरी लिखा होगा, ये सारे फ़ोनों के लिए आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, आईफोन छोड़ के। आईफोन में तो खैर ऐसी चीज़ आती ही नहीं, वो इसीलिए तो आईफोन है भाई। ये क्लियर डाटा है, क्लियर डाटा पे टिक कर दीजिए, क्लियर कैश कर दीजिए, उसके बाद क्लियर ऑल डाटा भी करना है आपको, ठीक है, डिलीट ऑल डाटा। अब ये सारा डाटा डिलीट हो गया ना, ये अनइंस्टॉल है ना, अनइंस्टॉल पे अब टिक करना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ रह गई ना भाई, वीडियो पीछे करके देख लेना, तो फिर आप कहोगे यार हमने किया था वो ढंग से हो नहीं पाया, 2-4 दिन बाद फिर ऐड आ गई। अब देखो वो यहाँ से जा चुकी है, अब इसमें है ना किसी का बाप ऐड नहीं लगा सकता, ठीक है। इस तरीके से आपको करना, कभी भी आपके फ़ोन में कभी ऐसी अनवांटेड ऐप आ जाए, जैसे लॉक रखा हुआ है फ़ोन, लॉक रखा, मेरे सामने मेरे फ़ोन में खुद हो गया था यार, मैं क्या बताऊँ, एक बार मेरे फ़ोन में खुद आ गया ऐसे गंदी गंदी ऐड आने लगी, तो वो मुझे समझ भी नहीं आया कि मैंने ये चीज़ें नहीं देखी हुई हैं, उसके बावजूद भी फिर भी ऐड आ रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके साथ कभी ऐसा
हो जाए या बटन दबाते ही एकदम से ऐड आ जाती है सीधी, तो वो आ जाती थी, अब नहीं आएगी वो, ठीक है सारे। और वो जो मैंने अभी सॉल्यूशन बताया ना, वो कभी कभी आता है भाई साहब। वो कहते हैं ना वो कि बारिश का भी एक मौसम होता है या अमरूदों का भी एक मौसम होता है, वो कभी कभी चीज़ें आती हैं। ये आज आपके सामने आना था, ऐसी इंटरनेट पर वीडियो बहुत कम मिलेगी आपको। और एक बात और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, एक बात और सुन लिया अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो। देखिए आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो ये देखिए ड्रीम इलेवन, ये क्या जीतेंगे यार ड्रीम इलेवन, चीज़ सही नहीं है, वो के चक्कर में ना पड़ा। ये ऐप्स जो होती है ना, आपके कॉन्टैक्ट डाटा स्टोरेज वगैरह ये एक्सेस करके रखते हैं। और बहुत सारे बंदों की ना, देखिए मेरे पास सवारी ऐसी आई है कि वो कहते हैं कि क्या फ़ोन का कैमरा रखे रखे अपने आप ऑन हो सकता है। भाई देखिए ये एक AI का ज़माना है, इसमें मैं मना नहीं कर सकता, हो भी सकता है। अगर आपने कोई कैमरे से रिलेटेड कोई ऐप आपने इंस्टॉल कर रखी अपने फ़ोन में, जैसे कि होता है ना HD कैमरा, HD प्लस कैमरा, तो ये आपके कैमरे का एक्सेस मांगती है। आप ध्यान देना, जब आप इसे इंस्टॉल करते हो ना, तो आपके फ़ोन में वो एक्सेस मांगते हैं कि क्या आप अलाउ करते हैं कि हम आपके फ़ोन के अंदर घुस जाएं। आप बोल देते हो हाँ घुस जाओ, भाई वो सच में घुस जाते हैं। फिर वो आपके फ़ोन के कैमरे को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग में जाइए, ऐप में जाना, उसके बाद मैनेज, और उसके बाद जो भी ऐप होगी ना, जैसे ये अमेज़ॉन है, इस पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कैश क्लियर करना है आपको, स्टोरेज में जाके ये कैश मेमोरी जो होती है ना, इसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद अनइंस्टॉल करना। वरना अगर आपने डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर दिया और कैश नहीं किया, तो ये कैश का मतलब ये होता है कि ये कंपनी ने आपके फ़ोन का एक्सेस ले रखा है। अब आप चाहे अनइंस्टॉल कर दो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, आपके फ़ोन का डाटा उनके पास पड़ा रहेगा। से कैश कर दोगे तो फिर उनके यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ये गूगल वालों का एक सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है, ठीक है। अगर आप कैश क्लियर कर देते हैं तो फिर गूगल का जिम्मेदारी बनती है, वो अपने आप ही हटा देते हैं। तो ये जो कुछ सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं, गूगल भी आपका साथ देता है। तो आप इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़े, आप बस ऐसा करें कैश क्लियर मेमोरी जरूर करें, और यूज़र डाटा जो होता है उसको भी क्लियर कीजिएगा। उससे आपने कभी भी कोई उस ऐप में कोई चीज़ देखी होगी, कोई चीज़ किसी लेवल पे आगे गए होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई गेम की ऐप आपने डाउनलोड किया, उसमें 10 लेवल खेल लिए, तो आप अगर यूज़र डाटा क्लियर कर दोगे उस ऐप का, तो वो 10 के 10 लेवल ख़त्म हो जाएंगे। अगर नहीं करोगे, आप खाली अनइंस्टॉल कर दोगे, और उस गेम को दोबारा कोई बंदा 2-3 दिन बाद इंस्टॉल करेगा, तो वो 10 लेवल आपको शो करेंगे दोबारा, ठीक है, कि आप 10 लेवल तक पहुंच गए थे। आप कहोगे यार मैं अभी तो फर्स्ट पे नहीं पहुंचा, इसने 10 लेवल पार कर रखे। इसी तरीके से कोई भी ऐप आपने अगर थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर रखी है अपने फ़ोन में, तो सबसे पहले उसकी कैश मेमोरी को हटाना, उससे आपका जो भी आपने एक्सेस दी होगी वो सब हट जाएंगी, कहने का मतलब ये है ना। और जो भी आप अपने फ़ोन को चेक करते रहा करो, कभी कभी आपके फ़ोन में अपने आप ऐप इंस्टॉल हो जाती है, आपकी गलती से ही होगी, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा अपने आप कोई आपके फ़ोन में घुस जाएगा, आपकी गलती से होगी। कभी कभी आप कोई साइट वगैरह देखते हैं, तो उसमें कोई भी साइट यूज़ करते हैं तो उसमें आता रहता है अलाउ का ऑप्शन, डिनाई अलाउ, आपने अक्सर देखा होगा। तो वो एक टिक करते ही आपके फ़ोन में जंक फाइल वगैरह के काफ़ी मैसेजेस आते हैं, उसमें हम क्या करते हैं एक्सेस दे देते हैं, उसको ओके कर देते हैं कि आपके फ़ोन में वायरस है तो उसे हटाएं। आप ओके कर देते तो भाई साहब आपके फ़ोन में रन होने लग जाती है, तो वो फिर वो आपके फ़ोन को प्रॉब्लम ही करेगी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और ये सोल्यूशन कैसा लगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको पता ही है क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना अपने भाई के चैनल को, ऐसी वीडियो देता रहूँगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आप किसी भी दुकान पर जाओगे ना, तो इस चीज़ के पैसे नहीं देने होते भाई, ये काम तो आप खुद ही कर लेना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पहले ये काम खुद ही कर लेना, पैसे मत देना किसी भी दुकान पे जाके, पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।